स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पटाखों पर देशव्यापी पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पटाखों की बिक्री को शर्तों के साथ दी मंजूरी। ऑनलाइन बिक्री पर रोक, रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे पटाखे। सामुदायिक स्तर पर पटाखे छोड़े जाने को प्रोत्साहन देने पर जोर। सबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने वाले फैसले के खिलाफ याचिकाएं। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में रविवार को शहीद हुए 3 भारतीय सैनिकों के मामले पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को किया तलब, कहा लगातार सीज फायर उल्लंघन से बाज आए पाकिस्तान। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख। राजनांदगांव सीट से कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा। राज्य में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत 40 नाम शामिल। और मस्कट में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की मलेशिया से भिड़ंत। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज आज से। खिताब जीतने पर होगी भारतीय खिलाड़ी के किदांबी श्रीकांत, पीवी सिंधु और सायना नेहवाल की नजर। दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगी रहेगी, साथ ही ई कॉमर्स की साइट पर इसे बेचने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा। दिवाली और दूसरे त्योहार पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे जलाए जाने की इजाजत होगी। अदालत ने केंद्र से कहा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे सामुदायिक तौर पर जलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। वायु प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। पहले ये जो टाइम था सिर्फ 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चल सकते थे, लेकिन अब ये टाइम घटा के 2 घंटे कर दिया है, 8 और 10 के बीच में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता की बात है, लोगों के लिए भी। और दूसरी चीज़ ये कही है कि जो जितने बम बनते हैं, जो पटाखे बनते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे बेरियम, जैसे सल्फर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, तो इसकी मात्रा उतनी रहेगी जितनी कि पैसों, एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसों, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी वो प्रिस्क्राइब करती है, उतनी मात्रा में वो गन पाउडर वगैरह डलेगा। उससे ज़्यादा डलेगा तो पुलिस एक्शन। दुकानदार व्यापारियों की तरफ से जो भी उच्च न्याय फैसला दिया, अच्छा दिया, और मैं चाहूँगा कि इस फैसले को मानते हुए जो आदेश हमें मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। अगर उन्होंने कहा बड़ी आइटम जैसे बंद करो, हम सारी हटवा के भेज देंगे मैगजीन में, अपने यहाँ पर जहाँ पर जो आइटम हो गएंगे वो छोटी आइटम ही हम बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद भी देते हैं कि हम जिस तरह की कंडीशंस देंगे हम हर चीज़ के लिए एग्री हैं। सबरीमाला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के संविधान पीठ के फैसले के विरुद्ध दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवम्बर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस SK कॉल की पीठ ने वकील मैथ्यूज जे नेंदुमपरा से कहा कि उसने याचिकाओं को 13 नवंबर को सूचीबद्ध करने के संबंध में पहले ही आदेश पारित कर दिया है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि मामले में नेशनल अयप्पा डिवोटीज एसोसिएशन और दूसरे की तरफ से दायर की गई 19 पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। 5 सदस्य संविधान पीठ ने 4-1 के अनुपात से दिए गए अपने फैसले में कहा था कि केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए।
पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान भारतीय जवानों के हताहत होने के मुद्दे पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया। भारत ने पाकिस्तान की ओर से उकसावे की हरकतों की कड़ी शब्दों में निंदा की, साथ ही कहा कि इससे बातचीत के जरिए शांति की इच्छा जताने के पाकिस्तानी दावों की पोल खुल गई है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार बिना उकसावे के पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं पर भी भारत ने कड़ा एतराज जताया। पाकिस्तानी सेना ने इस साल अब तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल 1591 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। रविवार को हुई मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए थे और 3 सैनिक शहीद हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पुलिस और सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान वो खास तौर पर घाटी और पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। गृहमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद हो रहा है। इस मौके पर वो राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। उनके इस एक दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पुणे के सिम्बायसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और ये समाज के लिए अच्छा संकेत है। योर एजुकेशन गिव्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प दोज लेस प्रिविलेज्ड एंड लेस फॉर्चुनेट। हाउ यू चूज टू डू दिस इज एंटायरली अप टू यू, बट डू रिमेंबर दैट योर एम्पैथी टू फेलो सिटीजन्स इज एज मच अ टेस्ट ऑफ योर स्कॉलरशिप एज योर मार्कशीट और योर डिग्री। वन ऑफ माई फाइंडिंग्स हैज बीन that the academic performance of girl students tends to exceed that of the boys. This is commendable and a happy sign for our society. Knowledge has no gender boundaries, neither does it have geographical boundaries. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां उपराष्ट्रपति ने उल्लेखनीय अकादमिक कार्यों के लिए शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और उनका सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन बना, उसी तरह बालिकाओं का सशक्तिकरण भी जन आंदोलन बनना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने महिला साक्षरता दर पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में औसत महिला साक्षरता दर 65.46% है, जबकि विश्व औसत महिला साक्षरता दर 79.7% है। In majority of the universities, the gold medalist 60% above are girl students. That's a very happy indicator. We have to make this as a mass movement. श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड एट दैट टाइम। नाउ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आल्सो हैज एनकरेज्ड इट। नाउ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अप दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बढ़ाओ, दैट्स अ कैंपेन। आई एम श्योर इट्स कैचिंग अप, इट विल कैच अप फर्दर बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में करुणा शुक्ला का नाम भी शामिल है। करुणा शुक्ला को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया है और मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 12 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी की थी। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कुल 40 नाम हैं। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री, दिग्गज नेताओं के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है।
और अगले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कही है। उन्होंने ये बात एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कही। पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी ऐसी मंशा नहीं दिखाई कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि इस बारे में कांग्रेस के कुछ नेताओं में चर्चा थी जिस पर पार्टी की तरफ से रोक लगाई गई है। इसके अलावा पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाए, इस बारे में कांग्रेस पार्टी गठबंधन दलों के साथ मिलकर सही वक्त आने पर ही फैसला करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना और केंद्र में वैकल्पिक सरकार स्थापित करना है। एक मीडिया संस्थान के पिछले महीने हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर कांग्रेस के सहयोगी दल चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग की टीम तेलंगाना के दौरे पर है। 3 दिवसीय इस दौरे पर आयोग की 11 सदस्य टीम तेलंगाना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रही है। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी चिंताओं को सुना। आयोग ने राजनीतिक दलों को निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और पुलिस नोडल ऑफिसर से मुलाकात करके चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। चुनाव आयोग की टीम का तेलंगाना के सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, DIG और IG अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीयों के विदेशों में जमा अवैध धन और संपत्ति से जुड़े मामलों की जांच के लिए आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। विभाग ऐसे मामलों में कड़ी आपराधिक कार्रवाई के लिए नए कालाधन निरोधक कानून का इस्तेमाल कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग अन्य देशों के कर विभागों के साथ मिलकर विदेशों में हजारों भारतीयों के जमा काले धन और खरीदी गई संपत्ति की जांच कर रहा है। CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने इस कदम की पुष्टि की, लेकिन इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि कर अधिकारी वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU और अन्य स्रोतों से विदेशों में हुए लेनदेन के महत्वपूर्ण ब्यूरो के साथ ऐसे मामलों पर काम कर रहे हैं। कई मामलों में लोगों को नोटिस जारी करके सौदों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार ऐसे कई मामलों में नामी और चर्चित लोग हैं। कई हाई नेटवर्थ वाले लोग भी जांच के घेरे में हैं। देश में करोड़पतियों की संख्या में 60% से अधिक का इजाफा हुआ है। ये तादाद पिछले 4 साल के दौरान बढ़ी है। CBDT की ओर से आयकर और प्रत्यक्ष कर के आंकड़ों पर जारी रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं की संख्या 68% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से अधिक आमदनी वाले आयकरदाताओं की संख्या बढ़कर 1,40,000 से अधिक हो गई है। इनमें कॉरपोरेट, फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार आदि शामिल है। साल 2014-15 में 88,649 लोगों ने 1 करोड़ से अधिक की आमदनी का खुलासा किया था। वहीं 2017-18 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,40,139 हो गया। वहीं पिछले 4 वित्तीय वर्ष के दौरान सालाना 1 करोड़ से अधिक आमदनी वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं की संख्या 68% बढ़ी है। 2014-15 में इनकी तादाद 48,416 थी, जो 2017-18 में बढ़कर 81,344 हो गई। पिछले 4 वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में ये संख्या जहां 3,79,00,000 थी, वहीं 2017-18 में ये संख्या बढ़कर 6,85,00,000 हो गई। CBDT के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने बताया कि पिछले 4 सालों में कई तरह के विधायी और सूचनात्मक कदम उठाए गए हैं, जिससे करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने GST रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सितंबर महीने के लिए GSTR 3B में रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। पहले इसकी समय सीमा 20 अक्टूबर थी। GST पिछले साल जुलाई से लागू हुआ था और इसके तहत पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल मार्च तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ लेने के लिए GSTR 3 फॉर्म भरना पड़ता है। इनपुट टैक्स वो होता है जो मैन्युफैक्चरर सामान खरीदने के दौरान सप्लायर्स को चुकाते हैं और बाद में इसका रिफंड लेते हैं। दरअसल GSTR 3B रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर व्यापारियों में कुछ शंकाएं थी। इन्हीं शंकाओं को खत्म करने के लिए तारीख बढ़ाई गई है।
इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड की जांच पड़ताल करने वाली समिति ने सीमा पार इंसॉल्वेंसी पर दूसरी रिपोर्ट दाखिल कर दी। समिति ने सीमा पार दिवालिया से संबंधित मसलों का समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के सीमा पार दिवालिया मॉडल कानून को अपनाने की सिफारिश की है। वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली को कल कंपनी मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने यह रिपोर्ट सौंपी। इस मॉडल कानून को करीब 44 देशों ने स्वीकार किया है। भारत और जापान सरहद के बाहर भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ने के संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 और 29 अक्टूबर को टोक्यो यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस पर विस्तृत चर्चा होगी। ये दोनों देशों के बीच तय संयुक्त विजन 2025 के निर्णयों के आधार पर संपन्न होगा। भारत और जापान एक दूसरे के विशेष रणनीतिक भागीदार हैं और दोनों देशों के बीच हर साल शिखर सम्मेलन की व्यवस्था है। भारत के ऐसे संबंध सिर्फ रूस के साथ हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच अहम आर्थिक और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। They have a very frank exchange of views in very strategic manner, and I hope that some concrete project, including security and connectivity agenda, will come out after their discussions. I am hopeful that this will be another very successful meeting. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल नई दिल्ली में क्रोएशिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मारिया पेथनोविच के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही बहुपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कई सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए। क्रोएशिया के उप प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर शनिवार को दिल्ली पहुंची थी। एशिया में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत और चीन के बीच कल सुरक्षा मसले पर अहम करार पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत और चीन के बीच इस तरह का यह पहला समझौता है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वुहान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत हुआ है। इस सिलसिले में दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और चीन के जन सुरक्षा मंत्री झाओ केजी के बीच विस्तृत बातचीत हुई। दोनों मंत्रियों ने आतंकवाद के साझा खतरे को महसूस किया और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे जुड़े समझौते में आतंकवाद के मुकाबले के अलावा संगठित अपराध, मादक द्रव्यों पर नियंत्रण और सीमा पार निगरानी बढ़ाने के मुद्दे शामिल हैं। समझौते में दोनों गृहमंत्रियों के बीच संपर्क बढ़ाने और आपातकाल में संपर्क की प्रक्रिया शामिल है। भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास बहाली के लिहाज से इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। चीन के जन सुरक्षा मंत्री झाओ केजी 21 अक्टूबर से 5 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकार जमाल खशोगी की मौत के बारे में सऊदी अरब की ओर से दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन मानुचिन ने किंग मोहम्मद बिन सलमान से सोमवार को मुलाकात की। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने जोर देकर कहा कि मामले की कठोर सच्चाई को सामने लाया जाएगा। 2 सप्ताह तक मामले पर चुप्पी साधे रहने के बाद सऊदी अरब ने स्वीकार किया है कि खशोगी की मौत वाणिज्य दूतावास में हुई, लेकिन सहयोगी और विश्व शक्तियों में शामिल देश उसके बयान को परस्पर विरोधी और संतोषजनक नहीं मान रहे हैं। Well, you know what, John, I'm going to know very shortly because I have a great group of people in Turkey right now and a great group of people in Saudi Arabia. We will know very soon. We have tremendously talented people that do this stuff very well. They're coming back tonight, tomorrow, and I will know very soon. And I am not satisfied with what I've heard. Well, look, Rand has his ideas. I agree with Rand on a lot of things. I don't want to lose all of that investment that's being made in our country. I don't want to lose 1 million jobs. I don't want to lose $110 billion in terms of investment, but it's really $450 billion if you include other than military. So that's very important, but we're going to get to the bottom of it, yeah. बात खेलों की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में हार के बावजूद भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने इतिहास रच दिया। बजरंग को जापान के ताकुटो ओटुगुरो ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में 16-9 से मात दी और बजरंग को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
लेकिन हार के बावजूद बजरंग रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये उनका दूसरा पदक है और ये कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने साल 2013 में इस टूर्नामेंट के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था, जबकि ताकुटो ओटुगुरो 19 साल की उम्र में जीतने वाले जापान के सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए हैं। मस्कट में खेले जा रहे पुरुष हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम मलेशिया के खिलाफ अपना चौथा रॉबिन राउंड मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पिछले मैचों में भारत ने जापान को 9-0 से हराया, पाकिस्तान को 3-1 और मेजबान ओमान को 11-0 से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, पीवी सिंधु और सायना नेहवाल की नजरें खिताब जीतने पर होंगी। सिंधु पहले दौर में आज बेईवेन झांग से भिड़ेंगी। सायना पहले दौर में सायना कावाकामी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं किदांबी श्रीकांत वोंग विंग की विंसेंट के खिलाफ पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी मिश्रित युगल में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। बात खास शख्सियत की, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की आज जयंती है। वो 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे। उनका राजनीतिक और संसदीय अनुभव 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। भैरव सिंह शेखावत ने 20 नवंबर 2002 को राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार संभाला और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई चलाई। संसदीय गरिमा पर उनका खास जोर था। राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में 23 अक्टूबर 1923 को शेखावत का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ। गांव में प्राइमरी के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई शिक्षा के लिए वो 30 किलोमीटर दूर जोबनेर गए। ये दूरी वो रोज पैदल तय करते थे। बाद में उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पिता के निधन के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन पर परिवार के 8 लोगों का बोझ आ गया। फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी की और रामगढ़ शेखावाटी में थानेदार बन गए। लेकिन पुलिस की नौकरी उन्हें रास नहीं आई और उसे छोड़कर खेती करने लगे। आजादी के बाद 1952 के पहले चुनाव में उनके साथियों ने उनसे राजनीति में उतरने को प्रेरित किया, तो वो जनसंघ के सदस्य के रूप में मैदान में उतरे। 5 दशक तक वो धौलपुर से लेकर गंगानगर तक कई इलाकों से चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाते रहे। शेखावत 1952 से 1972 तक और 1977 से 2002 तक 10 बार विधायक रहे। 1974 से 1977 के दौरान वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी संगठन में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चे के संयोजक समेत तमाम बड़े ओहदों पर रहे। वो राजस्थान के पहले नेता थे जो उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर पहुंचे थे। राज्यसभा में उन्होंने प्रश्नकाल को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। वो चाहते थे कि राज्यसभा अपनी कार्रवाइयों से न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। उनका निधन 15 मई 2010 को हुआ। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।